अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज यूनुस फ्रॉम द जीएन मेमोरियल पब्लिक स्कूल वाइलू। एज यू नो, ड्यू टू द क्लोजर ऑफ द स्कूल्स, वी हैव डिसाइडेड टू टेक ऑनलाइन क्लासेस। एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अ टॉपिक, पार्लियामेंट ऑफ द क्लास 8th फ्रॉम द पॉलिटिकल साइंस। एज इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड टू सम एक्सटेंट अबाउट द पार्लियामेंट, व्हाट एक्चुअली पार्लियामेंट इज। एंड टुडे वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द पार्लियामेंट। एज यू नो दैट गवर्नमेंट कंसिस्ट्स ऑफ द थ्री ऑर्गन्स। गवर्नमेंट जो होता है, इट कंसिस्ट्स ऑफ थ्री ऑर्गन्स। ठीक। द फर्स्ट ऑर्गन जो होता है, दैट इज द लेजिस्लेचर। द सेकेंड वन इज द एग्जीक्यूटिव। एंड द थर्ड वन इज द जुडिशियरी। जो लेजिस्लेटिव पार्ट जो होता है, जो लेजिस्लेटिव ऑर्गन होता है, द लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट और द लेजिस्लेटिव पार्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज नोन एज पार्लियामेंट। इट मीन्स दैट पार्लियामेंट जो होता है, इट इज द लेजिस्लेटिव पार्ट ऑफ द लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और द लेजिस्लेटिव पार्ट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। बट पार्लियामेंट की बात करते हैं, वेन वी नो दैट in the constitution of india there are presently 470 articles in the indian constitution, and when we talk about the parliament, article 79 to article 122 of the indian constitution, it deals with the parliament. It deals with the powers, it deals with the functions, superintendence, tenure and other functions of the parliament. So when we talk about the parliament, according to the Indian constitution, the constitution of India has given the parliament, and it consists of the Lok Sabha, it consists of Rajya Sabha, and it consists of president. And when we talk about the president, the present president of India is the Ram Nath Kovind, President of India. And after that, when we talk about the Lok Sabha is also known as House of Commons. It's also known as the Lower Chamber of Parliament. And when we talk about the Rajya Sabha, it is known as Upper House of the Parliament. It is known as Upper House of Parliament or the Upper Chamber of Parliament. So Lok Sabha or Rajya Sabha and President, all of the three, Lok Sabha, Rajya Sabha and the President, it consists of the Parliament of India. इन तीनों को मिला के, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, इन तीनों को मिला के क्या होता है कि जो पार्लियामेंट बनता है, ठीक है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द लोकसभा और व्हेन वी टॉक अबाउट द राज्यसभा, ठीक, लोकसभा नोन एज द हाउस ऑफ कॉमन्स एंड राज्यसभा नोन एज अपर हाउस ऑफ द अपर चैम्बर ऑफ द पार्लियामेंट। राज्यसभा इज ऑल्सो नोन एज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। It was known as the Council of States, but in 1954, the House of the Commons and the Council of the States, means Lok Sabha and Rajya Sabha, their names were changed. इनका जो नाम था वो चेंज हुआ। पहले क्या था, हाउस ऑफ कॉमन्स बोलते थे लोकसभा को, तो राज्यसभा को बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो इनका नेम चेंज हुआ 1954 में, एंड देन दे वर नेम्ड एज द लोकसभा एंड दे वर नेम्ड एज द राज्यसभा। And after that, when we talk about the composition of the Rajya Sabha, जब हम Rajya Sabha की बात करते हैं, ठीक है, तो Rajya Sabha में क्या होता है कि जो maximum seat strength होती है Rajya Sabha में, they are the 250 members होते हैं इसमें, 250 members होते हैं Rajya Sabha में, ठीक है। तो out of 250 members में क्या होता है कि जो 12 members जो होते हैं वो इलेक्ट करता है प्रेसिडेंट। कौन करता है, सभा इलेक्ट करता है प्रेसिडेंट, ठीक है। तो प्रेसिडेंट क्यों इलेक्ट करता है, बिकॉज जो ये 12 मेंबर्स जो होते हैं, दे आर द एक्सपर्ट्स, वो कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं इन द फील्ड ऑफ, किस फील्ड में,
in the field of science, in the field of art, in the field of literature and etc. ठीक है, एंड द रिमेनिंग 238 मेंबर्स, जो रिमेनिंग 238 मेंबर्स जो होते हैं, दे आर इलेक्टेड बाय इनडायरेक्टली, दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल्स, ठीक, दे आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द स्टेट असेंबलीज, जो वहां पे स्टेट असेंबलीज होते हैं, दे आर इलेक्टेड बाय स्टेट असेंबली. एंड आफ्टर दैट, बट वेन वी टॉक अबाउट द प्रेजेंट सितरंगत, प्रेजेंट सितरंगत क्या है आज, मतलब आज की सितरंगत क्या है लोकसभा में, सॉरी राज्यसभा में, तो प्रेजेंट सितरंगत ऑफ द राज्यसभा इज 245 मेंबर्स, ठीक. तो 245 मेंबर्स जो होते हैं, आउट ऑफ 245 मेंबर्स, 229 मेंबर्स जो है, दे आर फ्रॉम द स्टेट्स, दे आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट्स. जैसे कि यहां पे क्या था, आउट ऑफ 250 मेंबर्स, तो जो 238 मेंबर्स जो थे, दे आर द स्टेट, दे आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट्स, उस स्टेट को रिप्रेजेंट करते थे, ठीक. एंड प्रेजेंटली 245 मेंबर्स जो है, तो आउट ऑफ 245 मेंबर्स, 229 मेंबर्स जो है, दे वो रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट को. एंड आफ्टर दैट, द फोर मेंबर जो होते हैं, फोर मेंबर जो होते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं यूनियन टेरिटरीज को, ठीक है. एंड द रिमेनिंग 12 मेंबर्स, तो इसके बाद क्या होता है, 12 मेंबर्स होते हैं, ठीक. तो रिमेनिंग 12 मेंबर जो होते हैं, दे आर इलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट, दे आर इलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट. व्हाई उनको प्रेसिडेंट क्यों इलेक्ट करता है, बिकॉज दे आर द एक्सपर्ट्स इन द फील्ड ऑफ द साइंस, इन द फील्ड ऑफ द आर्ट, इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर और इन द फील्ड ऑफ द सोशल साइंस, ठीक. तो आफ्टर दैट व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट जो होता है, ही इज नाइदर ए पार्ट ऑफ द अपर हाउस, नाइदर ए पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, नाइदर ए पार्ट ऑफ द अपर हाउस, नाइदर ए पार्ट ऑफ द लोअर हाउस. नो अपर हाउस का पार्ट होता है, ना वो लोअर हाउस का पार्ट होता है. एंड लेकिन वो क्यों फिर इंपॉर्टेंट है पार्लियामेंट, बिकॉज इसलिए कि जो भी बिल लोकसभा पास करता है या जो भी बिल राज्यसभा पास करता है, ठीक है, वो तब तक कानून नहीं बनता, तब तक लागू नहीं बनता है, जब तक मतलब प्रेसिडेंट जो होता है, जब तक वो साइन नहीं करता है, ठीक. दैट इज व्हाई जो प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है. तो लोकसभा नोन एज द हाउस ऑफ कॉमन्स एंड सॉरी हाँ लोकसभा नोन एज द हाउस ऑफ कॉमन्स एंड राज्यसभा नोन एज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है. एंड आफ्टर दैट, व्हेन वी टॉक अबाउट द लोकसभा, ठीक है, तो लोकसभा में क्या होता है, व्हेन वी टॉक अबाउट द लोकसभा, व्हेन वी टॉक अबाउट द लोकसभा, द प्रेजेंट द मैक्सिमम सितरंगत ऑफ द लोकसभा, ठीक है, तो लोकसभा की मैक्सिमम सितरंगत जो होती है, दैट इज द 550 मेंबर्स होती है. लोकसभा की जो सितरंगत होती है, वो 550 होती है. एंड आउट ऑफ 550 में क्या होता है, तो जो राज्यसभा मेंबर्स है, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द प्रेजेंट, देयर आर 229 मेंबर्स दैट आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट्स. जो 29 मेंबर्स जो होते हैं, या मतलब जो राज्यसभा में जो सीट्स रिजर्व होते हैं, दे आर अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, मतलब कि स्टेट में ज्यादा पॉपुलेशन है तो मतलब उसकी सीटें वहां पर ज्यादा होगी. फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं यूपी की, ठीक है, तो यूपी में क्या है कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, दैट इज वाई उनके लिए 31 सीट जो है राज्यसभा में है, 31, ठीक है, बिकॉज यूपी में क्या है कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट ट्राइपुरा, तो ट्राइपुरा में क्या है कि पॉपुलेशन कम है, दैट इज वाई ओनली वन सीट रिजर्व है उनके लिए. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इट कंसीड, तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन की अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, देयर आर ओनली 4 सीट्स दैट आर रिजर्व्ड इन द राज्यसभा, ठीक है. तो आफ्टर दैट, व्हेन वी टॉक अबाउट द लोकसभा, लोकसभा इज आल्सो नोन एज द हाउस ऑफ कॉमन्स, और इज आल्सो नोन एज द लोअर चैम्बर ऑफ द पार्लियामेंट. तो प्रेजेंटली लोकसभा में क्या है, इन लोकसभा कंसिस्ट्स ऑफ 550 मेंबर्स लोकसभा में है. तो आउट ऑफ 550 मेंबर्स, तो व्हेन वी टॉक अबाउट द लोकसभा कंसिस्ट्स ऑफ द 552 मेंबर्स, आउट ऑफ 552 मेंबर्स, तो 530 मेंबर जो होते हैं, दे आर फ्रॉम द स्टेट्स, दे आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट्स, एंड 20 जो होते हैं, दीज आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज, एंड जो 2 मेंबर जो होते हैं, दे आर फ्रॉम द एंग्लो इंडियंस,
they are from the Anglo-Indian. And these members जो होते हैं 530 members, they are elected by the universal adult franchise. They are elected on the basis of the universal adult franchise. Meaning that कि anybody, कोई भी वो person who has attained the age of maturity, कोई भी person जो कि जिसकी एज जो होगी 18 प्लस से होगी, ठीक है, उसको वोट डालने का हक दिया जाएगा, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज. मीन्स दैट एनी बॉडी, कोई भी पर्सन हु हैज अटेंड द एज ऑफ मैच्योरिटी इज गिवन राइट टू वोट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, सेक्स एंड रिलीजन. एंड दिस वॉज ऑल अबाउट द टुडेज टॉपिक, एंड इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू दिस फ्रॉम टुमारो. ओके.